एमकॉम प्रीवियस एबीसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पार्ट सेकंड आज हम देख रहे हैं इसका। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया था, जिसके अंतर्गत बताया था कि किस प्रकार से हम अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है एसेट्स में, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सब हमने देखा था। अब हम इसी में आगे कुछ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसके जो है वेज होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है, उसकी उसके लिए किस प्रकार की जो है रीबैलेंसिंग और जो है एसेट एलोकेशन और जो है अदर टेक्निक्स जो है उसकी फॉलो की जाती है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे देखा जाता है, ये आज हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, कि आप ये नहीं कि ऐसा आपने ट्रायल ले लिया कि ठीक है हम आज इसमें नहीं इसमें इन्वेस्ट करें, इस कमोडिटी को नहीं खरीद के इसमें खरीद रहे हैं। बच्चों आपको क्या है, पूरा इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाना होगा, अपने आप को वहाँ रखना होगा कि हम जो है अलग अलग प्रकार के हमारे पास में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से हमें कौन सा चूज करना है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है और अपने इन्वेस्टर को ये बताना है आपको कि भाई आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ये आप कमोडिटी खरीद सकते हैं इस समय में, इसमें ज़्यादा आपको जो है रिस्क कम है, या किस प्रकार का खरीदने वाला व्यक्ति है, नेचर उसका क्या है, उसके हिसाब से आप उसे प्रॉपर्टी कमोडिटीज़ बता सकते हैं। कमोडिटीज़ हम स्टॉक कह रहे हैं, शेयर्स मार्केट में आप जो है सिक्योरिटीज़ को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वहाँ पर आप मार्केट में अपने आप को समझिए और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिसाइड करना है आपको किसी व्यक्ति का, वो डिसाइड करना है। तो यहाँ पर तीन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपको ये देखना है कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा कुछ नहीं पता होता है ना, कई बार इक्विटी शेयर में तो पता ही नहीं होता कि आपको क्या रिटर्न मिलना है, तो रिस्क जो उसमें इन्वॉल्व होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है ना। लेकिन हम जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम जैसे पांच तरह की चीज़ें ले ली है ना, आप कहते हैं ना कि सारे एग्स को अगर आपने एक ही जो बास्केट में रख दिया और वो आपकी बास्केट में सारे एग्स फूट गए तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करके हम रिस्क वाले कुछ ले सकते हैं, कुछ लो रिस्क वाले, कुछ जो है मॉडरेट रिस्क वाले, इस प्रकार से आप अलग अलग तरह के रिस्क वाले जो है प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, ताकि आप जो है अगर कहीं पे आपका जो रिटर्न ज़्यादा कि आपने लालच किया और नहीं मिला और वहाँ डाउन हो गए, तो कहीं और आपका जो है मॉडरेट में ही आपका जो रिटर्न कुछ आपको मिल गया और आप इस तरह से रीजनेबली फेयर है आप। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है कि यानी एक ही तरह की प्रॉपर्टी, एक ही तरह की कमोडिटी आप नहीं खरीदेंगे, उसमें अलग अलग तरह की कमोडिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा आपका है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन बच्चों ये कि आपने क्या किया, अपनी एसेट्स में दो तरह की एसेट्स रखी है ना, आपके पास में वॉलेटाइल एसेट्स भी है और नॉन वॉलेटाइल एसेट्स भी आपको रखनी है जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इनमें आप इन दोनों एसेट्स में आपको बैलेंस बनाना है। अब आप कहेंगे कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें क्लियर करती हूँ कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल एसेट्स कौन सी होती हैं। बच्चों वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि हम इसे ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना, एंड इज मेजर्ड ऑफ रिस्क इनहेरेंट इन होल्डिंग अ पर्टिकुलर एसेट। एक पर्टिकुलर एसेट को खरीदने में या उसमें इन्वेस्ट करने से आपकी कितनी रिस्क कवर होती है, क्या उसमें रिस्क रहती है, ये हमें चेक करना होगा। इट इज़ अनसर्टेनिटी इन द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो भी आप इन्वेस्ट करें आपको पता नहीं कि आपका उसका रिटर्न कितना मिलना है, तो ये वॉलेटिलिटी कराती है। तो आपने जो अमाउंट आपने कहीं पर लगाया है उससे कितना रिटर्न आना है ये क्लियर नहीं हो, दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो ये जैसे सेविंग अकाउंट्स हैं, लैंड है, ट्रेजरी है, तो इनमें आपकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी सही रहती है। तो फाइव रीजंस है आपकी कम्युनिटीज़ को वॉलेटाइल बताने के। एक तो उसकी लिक्विडिटी देखते हैं आप कि उसकी लिक्विडिटी क्या है, कितना पैसा आपको जो है कब मिल सकता है उससे। जैसे कि हम ये कहते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया, जैसे गोल्ड है, वाइट ऑयल है, तो ये जो है आपका मोस्ट लिक्विडिटी मार्केट में इनकी है कि आप उनको गोल्ड को आप फटाफट सेल करके और पैसा ले सकते हैं। इसी तरह से जो है आपकी मदर नेचर आपको देखना होगा, जैसे कहीं पर क्या होता है कि हरिकेन आते हैं किसी एरिया में, तो वहाँ पर उस हरिकेन के टाइम में आपकी नेचुरल गैस वो कम निकल रही तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आपने अमेरिका में कहा कि ड्रॉट आया था उस समय में, वहाँ पे जो था क्रॉप की वैल्यू हो गई। मतलब ये एज पर सिचुएशन आपकी जो है कंडीशंस आपकी जो होंगी, मदर नेचर यानी कि नेचर ने जो आपको क्राइसिस दिया है उस क्राइसिस के टाइम में आपकी संपत्तियों की जो वॉलेटिलिटी वो चेंज हो सकती है। इसी तरह से हम सप्लाई एंड डिमांड का गेम आप बच्चों जानते हो कि किस एसेट की सप्लाई कितनी कितनी डिमांड है उसकी, उसके बेस पे भी उसकी वॉलेटिलिटी डिसाइड हो जाती है कि हमारे को जो है कितनी उसके जो है नेचर के अकॉर्डिंग, रॉ मटेरियल का नेचर है उसके अकॉर्डिंग उसकी वॉलेटाइल प्राइस जो होती है वॉलेटाइल हो जाती है ना, मतलब चेंज होना, उसमें डिफरेंसेस होना, चेंजेस होना। सप्लाई एंड डिमांड का गेम देखा आपने। इस तरह से जियो पॉलिटिक्स देखते हैं आप, जैसे जियो पॉलिटिक्स मतलब कि क्रूड ऑयल है जैसे जो जमीन से निकल रहा है, तो वो आप देख रहे हैं कि किस एरिया में जो है जैसे जहाँ निकल रहा है वो उसकी वैल्यू जानते हैं, और उसकी जो है और जगह जहाँ पे नहीं निकलता वहाँ पे उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो अवेलेबल होता है, महंगा मिलता है। तो यानी ये जियो पॉलिटिक्स भी होती है कि जहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा ज़मीन में निकली उनके वहाँ पे उस चीज़ की जो है रेट्स जो है वो वॉलेटाइल हो सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं उसमें, टैरिफ्स हैं उसके डिसाइड होते हैं, वार के टाइम में
या वायलेंसेज हो गए आपके, तो ये सब उस टाइम में जियोपॉलिटिक्स डिसाइड हो जाती है कि भाई वॉर हो रहा है तो समय जो है किस संपत्ति की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से एक वर्ड है आपके पास लीवरेज, है ना। लीवरेज का मतलब है कि हम जो है ट्रेडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन थ्रू इज थ्रू फ्यूचर्स। फ्यूचर आपको आगे पूरा चैप्टर आपको उसका पढ़ना है। फ्यूचर्स क्या होता है बच्चों, फ्यूचर है कि आपने ऑफर्स हाई डिग्री ऑफ लीवरेज, है ना। आपने कहा भाई इनिशियल अमाउंट आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 10% आपने दे दिया, बाकी आप बाद में देंगे, है ना। तो ये फ्यूचर्स सौदे कहलाते हैं जिसमें थोड़ा सा आप अमाउंट अभी दे दें, इन्वेस्ट कर दें। जैसे आपको 100 रुपये देने हैं, 100 रुपये की जगह आपने केवल 10 रुपये लगा दिए मार्केट में, तो वो फ्यूचर के सौदे कहलाते हैं, है ना। वायदे के सौदे कि वायदे कि हम बाद में आपको पेमेंट कर देंगे, तो ये वायदे के सौदे होते हैं। तो उसमें जो है स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके भी आप जो है देख सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, लीवरेज भी आपको देखना होगा। तो कमोडिटीज टेंड टू बी द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट्स क्लास, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड मॉनिटरिंग वॉलेटिलिटीज एंड वाइटल एक्सटेंशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपको ये वॉलेटिलिटी उसकी डिसाइड करनी होगी कि किस प्रकार की संपत्ति है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल वाइटल फैक्टर है। वाइल डिटरमाइनिंग द रिस्क वर्जन प्रोफाइल ऑफ एनी एसेट, वॉलेटिलिटी इज द स्टैटिस्टिकल मेजर दैट विल हेल्प पैरामीटर्स। ये आपका स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि आपको डिसाइड करता है कि आपके पैरामीटर क्या होंगे। तो ये बच्चों रहा वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, मैंने आपको बताया डिटेल में, और हम आगे पढ़ेंगे। रीबैलेंसिंग करना, हम ये देख रहे थे कि अभी हमारे जो है किस प्रकार से एसेट एलोकेशन हो रहा है, तो ये कैसे एसेट्स होंगी। तो एसेट एलोकेशन देखा आपने। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि उसके पोर्टफोलियो में एसेट्स कैसी होंगी, उसका रेशो क्या होगा, यानी वॉलेटाइल जो एसेट्स हैं, स्टेबल एसेट्स हैं, वो कितना उनका रेशो होगा। भाई कुछ का तो आपके रिटर्न ऐसा आना चाहिए जो कि स्टेबल रिटर्न हो। आप ऐसा नहीं कि भरोसे रह सकती कि सब आपने शेयर्स में पैसा लगा दिया और उनका रिटर्न आपको पता ही नहीं कितना होना है। तो वॉलेटिलिटी और नॉन वॉलेटिलिटी का बैलेंस बिठा करके आपको जो है रीबैलेंसिंग करके इन्वेस्टमेंट फ्यूचर सिक्योरिटीज में करना होगा आपको। इसका प्रोसेस मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इसकी सीक्वेंस क्या है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स का, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फिर आप कैपिटल मार्केट का एस्टिमेशन करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे हो, फिर आप पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, और फिर इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे सिक्योरिटी कौन सी खरीदनी है, और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। पोर्टफोलियो अपने आप डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना इतना पैसा ही आया इन्वेस्ट करना है। आपके पास 100 रुपये जो कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको डिसाइड करना होगा 100 रुपये में से 10 रुपये आप कहाँ लगा रहे हैं, 20 कहाँ लगा रहे हैं, 30 कहाँ लगा रहे हैं, या 5 रुपये आप कहाँ लगा रहे हैं। जो भी आप उसका एलोकेशन करेंगे, बांटेंगे आप एसेट को अपनी कि मुझे ये कहाँ कहाँ लगाना है, तो ये आप सिलेक्शन करेंगे सिक्योरिटीज़ का। फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आपने पोर्टफोलियो डिसाइड कर लिया कि मैं हाई रिस्क वाली सिक्योरिटी में इतना लगाऊंगा, लो रिस्क में इतना लगाऊंगा, ये पोर्टफोलियो आपका होता है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा। रिविजन एंड इवेल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, फिर उसको बार बार रिविजन भी करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ेगा कि उसकी किस प्रकार से उसकी वैलिडिटी चेंज हो रही है। रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, उसको बैलेंसिंग भी आप करते रहेंगे। तो ये है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि भाई पोर्टफोलियो मैनेजर आपका जो आपको सब कुछ डिसाइड करके देता है। हर आदमी को जो है सिक्योरिटीज का नॉलेज नहीं होता, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं जो एमकॉम अकाउंट्स हैं, एबीएससी कर रहे हैं। आप अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेजर किसी के भी व्यक्ति के बन सकते हैं, किसी कंपनी के बन सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी कंपनी को यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और इन वे ऑफ स्टेबल रिटर्न। वो ये चाहता है कि भाई मेरी तो पूंजी बढ़ाओ तुम, है ना, स्टेबल रिटर्न दो या फिर स्टेबल रिटर्न दो। तो जो भी वो चाहता है उसके बेसिस पे आप उसको जो है आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या इन्वेस्टमेंट की, वो डिसाइड करेगा पोर्टफोलियो मैनेजर। इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, है ना, उसे आप मार्केट से आपको कितना जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने वाला है उसका एनालिसिस किया जाएगा कि कैपिटल मार्केट जो है ना शेयर मार्केट, वहाँ पे आपने किस कंपनी की कितनी शेयर्स खरीदे हो, कहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है, तो ये भी वो डिसाइड करके देगा आपको पोर्टफोलियो मैनेजर। उसकी ड्यूटीज़ क्या है और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस करता है, ये देख रहे हैं। दूसरा है डिसीजंस रिगार्डिंग एसेट एलोकेशन, वो डिसीजन लेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स, स्टॉक एंड बॉन्ड्स का, कि कितना वाइसली जो है मुझे बेटर रिटर्न मिलेगा, मिनिमम रिस्क कवर होगी, उसमें कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए। और फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग ए स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन एंड रिस्क एक्सपोजर इज फॉर्मुलेटेड। वो एक स्ट्रेटजी डिसाइड करेगा इन्वेस्टमेंट की कि कितना कितना उसको जो है कहाँ से पैसा मिलना है। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, द एसेट्स आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल, मैच्योरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ग्राउंड्स, है ना। आपकी जो एसेट है उसको किस बेसिस पे चेक किया जाएगा, सिलेक्शन की हमें कौन सी खरीदनी चाहिए, उसके फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या उसके इश्यूज रहेंगे, मैच्योरिटी कब उसकी मैच्योरिटी होनी, कब आपको पैसा वापस मिलने वाला है, क्रेडिबिलिटी क्या है उसकी, बाजार में मार्केट वैल्यू क्या है, है ना। मार्केट में अगर आपने खरीद लिया तो उसको कभी आप सेल भी करना चाहें, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसके बदले में आपको जो है क्या रिटर्न मिलने वाला है, तो ये सब आप उसको देख के डिसाइड करते हैं। उसकी लिक्विडिटी क्या है,
उसका ग्राउंड क्या है, या आप कहते हैं कि मुझे आज मार्केट में सेल करना है और आपकी सिक्योरिटी सेल नहीं हो पा रही हो, तो लिक्विडिटी ग्राउंड भी आप चेक करेंगे कि उसमें कितना पैसा आपको एकदम एट स्पॉट लिक्विडिटी में आप चेक करेंगे कि मुझे वो पैसा उसमें जब भी सेल करूँ तो मुझे मिलना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन आर सेलेक्टेड आउट ऑफ द प्रपोज्ड वंस, ठीक है, तो इनमें से वो सबसे बढ़िया सिलेक्शन जो है चूज करेगा। इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन है, प्लान पोर्टफोलियो आपने बना लिया तो उसमें जो है सेलेक्टेड डिसाइड होगा कि किस किस में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। रिवीजन एंड इवेल्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, द पोर्टफोलियो इज इवेल्यूएटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। आप कोई पोर्टफोलियो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना इतना लगाना है, लेकिन वो भी वापस चेंज होता रहेगा, मतलब मार्केट सिचुएशन ऐसी नहीं है कभी भी अचानक, मान लीजिए कि ना जैसे आपने देखा था कि अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो वहाँ से उससे फर्क पड़ जाएगा, अचानक ड्रॉट हो गया, अचानक कोरोना पीरियड हो गया तो एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई एकदम, कंपनी में जो आपने पैसा लगाया था, मतलब ये नहीं कि हमारी जो सब चीज़ें बिल्कुल सर्टन है, ये सर्टन मार्केट नहीं है सिक्योरिटी मार्केट। इसमें पोर्टफोलियो जो आप डिसाइड करते हैं उसको आपको रेगुलर इंटरवल पे उसको चेक करना पड़ेगा और बेटर अपॉर्चुनिटीज अपने मनी को एनहेंस करने के लिए तलाशनी होगी आपको, ठीक है, कि आपको ज़्यादा पैसा कैसे बनाना है। ये आपको ऐसा नहीं कि आप एक बार करके पोर्टफोलियो बना करके बैठ जाएंगे, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो, नेसेसरी स्टेप्स टू इंप्रूव द पोर्टफोलियो आर टेकन बाय रीबैलेंसिंग द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप उसे बैलेंस भी करते रहिए कि आपकी जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की एफिशिएंसी बढ़ती रहे और आपका पैसा जो है आगे इंक्रीज होता है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रख करके एक अच्छे आप मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, वित्तीय सलाहकार बन सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार से अपने पैसे को कहाँ पर लगाना चाहिए। तो बच्चों आप, मैं होप कर रही हूँ कि आप इसकी जो है बुक खरीद चुके होंगे और उससे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। जरूरी नहीं कि यही बुक खरीद दीजिए, ये हिंदी की बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन आप इसकी जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे आप इंग्लिश में आपके सिलेबस में बुक्स के नाम दिए हुए हैं उनको देखिए और इसे परचेज करिए और इसमें काम करिए। आपका मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला पेपर ले रही हूँ, साथ में आपको जो है मैं पहले ये कुछ करवाने के बाद में फिर मैं, मुझे वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका मुझे ये पेपर ही लेना है, लेकिन चूंकि हम लोग तीन स्टाफ्स हैं और तीनों ने एक एक पेपर आपका ले रखा है, तो इसके बाद में जो बाकी पेपर एक और बचता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो भी मैं आपको जो है गाइड करूँगी उसमें। तो आप लोग जब तक जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्टार्टिंग जो इनिशियल है उसकी थोड़ी सी स्टडीज स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको जो है समझ में आसानी रहेगी। तो ये सब आपको अपनी तरफ से करना है, बुक्स खरीदनी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी खरीदी है और इसकी भी खरीदी है और बाकी जो दो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो दो बाकी जो टीचर्स हैं वो भी आपको करवा ही रहे हैं। तो आप उसको जो है व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़े रहिए और वहाँ समझते रहिए, और साथ में आप एमकॉम लेवल के स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो आपको खुद की अपनी एडवांस स्टडीज़ भी जारी रखनी चाहिए, तभी आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं और आगे स्कोर कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपने आज तक स्कोर नहीं किया तो आगे नहीं होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप उसमें लगातार लगे रहते हैं और पूरी तरह से उसको पढ़ के समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको कभी भी कुछ नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट में तो, क्योंकि हम लोगों ने पूरा अकाउंट्स में ही अपना जीवन निकाला है, तो एबीएससी सब्जेक्ट में मैंने पूरा जीवन निकाला है अपना, तो हम आपको जो है अच्छे से आपकी बजाय आप जो उसको देखेंगे जिस नज़र से उसकी जगह हो सकता है कि वो उसे आपको अच्छा सा गाइड कर सकें। धन्यवाद।